हम इसे बहुत लोग दिखाते हैं कि जैसे कि वे सब कुछ जानते हैं। हम दूसरों के दोषों को खोदते हैं और उनकी जांच करते हैं। हम ऐसे बातें करते हैं मानो हमारे पास जीवन की सारी बातों का, सारी उलझनों का समाधान है। पर अपने दिल की गहराई में हमें पता है और हम समझते हैं कि हम पूरी तरह से समाधान नहीं जानते, परंतु हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। कई लोग जानते हैं कि एक सर्वशक्तिमान हस्ती है, पर हम उसे स्वीकार नहीं करते। ये सच है कि परमेश्वर इस संसार का शासक है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है और वह जानता है कि हमें सही रास्ते पर कैसे चलाना है। आज हम चिंता कर सकते हैं, हमें दुख है, हमें पीड़ाएं हैं, हम रोकर कह सकते हैं कि ये बहुत दुखदाई है, पर जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। जब हमारे आसपास की चीजों में हमें बहुत दुख मिलता है तो वे चीजें हमारे दिलों को शांत करती हैं। इसलिए अपने पैरों को उसी मार्ग पर चलने दें जो यीशु हमें दिखाता है। आप सोचेंगे कि अरे, ये रास्ता तो सकरा है, इस पर कैसे चलूं? पर उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि वे आपको सही स्थान पर ले जाएगा, वे आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आप इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं?